ओके आप बताओ cos इनवर्स x का डोमेन -1 से -1 रेंज 0 से पाई क्लियर है ये क्यों है वो समझते हैं cos x का बताओ अच्छा डोमेन कौन है फिर cos x से ही इसके इनवर्स के बारे में पता चलेगा तो cos x का डोमेन -1 से -1 नहीं डोमेन हम लोग cos में कुछ भी पुट कर कोई भी इनपुट कर सकते हैं भाई हम क्या 30 की वैल्यू बताओ 720 की वैल्यू बताओ cos 720 cos 30 cos माइनस का 720 कितना भी एंगल पुट करो सबकी वैल्यू देता है cos क्लियर है तो हम लोग कहते हैं cos में कभी भी इनपुट करना है तो हम कुछ भी कोई भी रियल नंबर इनपुट कर सकते हैं क्लियर है सबके लिए आउटपुट मिलता है लेकिन जो इसका cos x का जो आउटपुट होता है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है तो वो इनवर्स है ना इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और ये क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में cos x का डोमेन कितना है रियल नंबर मतलब कुछ भी पुट करो फ्रॉम -∞ टू +∞ आउटपुट हमेशा किसके बीच में आएगा -1 से 1 के बीच में क्या इसका ग्राफ आता है cos x का ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ से इसके ग्राफ पे जा पाएंगे और इसके कांसेप्ट पर जा पाएंगे तो हम लोग cos x के ग्राफ के बारे में देखते हैं बहुत ध्यान से देखना cos x का ग्राफ जनरली जो आउटपुट होगा -1 से 1 के बीच में होगा तो एक काम करते हैं यहां पर y की वैल्यू -1 दे देते हैं और यहां पर y की वैल्यू +1 तो जो ग्राफ होगा -1 से ये -1 वाली लाइन है और +1 ये +1 वाली लाइन है y की इसके बीच में होगा क्लियर है अब बहुत ध्यान से देखना जैसे मान लेते हैं यहां पर x की वैल्यू 0 है यहां पर π/2 है यहां पर पाई हो गई यहां पर 3π/2 और यहां पर हो गया 2π समझने की कोशिश करना यहां पर माइनस का π/2 माइनस का पाई माइनस का 3π/2 बस क्यों लिखने में बना ठीक है अच्छा ये हम आपसे पूछें cos 0 की वैल्यू कितनी होती है cos 0 कितना होता है 1 तो 0 के सामने वैल्यू कितनी मिलेगी 1 ये पॉइंट मिल रहा है तो इस पॉइंट के सामने x कितना है 0 यहां पर y कितना है 1 ये बात समझ में अच्छा cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 तो अब अभी यहां पर इस पॉइंट पर देखो इस पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी π/2 मतलब 90 y की वैल्यू कितनी 0 अच्छा cos 180 की वैल्यू -1 cos 180 की वैल्यू -1 तो पाई के सामने क्या मिलेगा -1 तो इसके सामने x की वैल्यू 180 है पाई है लेकिन y की वैल्यू क्या -1 cos 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है क्लियर है ये याद होनी चाहिए आपको वैल्यूज ठीक है cos 2π की वैल्यू होती है 1 cos 2π की वैल्यू क्या होती है 1 अच्छा cos -π/2 की वैल्यू होती है 0 क्लियर है और cos -π की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 cos माइनस का 3π/2 की वैल्यू होती है 0 ये याद होनी चाहिए वैल्यूज यदि आपसे पूछे cos 0 की वैल्यू 1 π/2 की वैल्यू 0 पाई पर -1 3π/2 पर 0 2π पर 1 क्लियर है -π/2 पर 0 -π पर -1 -3π/2 पर 0 ये वैल्यूज याद होनी चाहिए जैसे याद नहीं होती cos 0 कितना होता है cos 0 1 cos 30 √3/2 ऐसे याद होना चाहिए cos 45 √2 cos 60 1/2 ठीक है cos 90 है ना तो 0 और 90 वाला ये भी आपको नहीं चाहिए ठीक है अब हम इन जितने भी पॉइंट इनको सबको ज्वाइन करते हैं ये सब पॉइंट्स ज्वाइन करते हैं इधर भी ज्वाइन करते हैं ये कर करने का प्रोसेस क्लियर कोई डाउट हो किसी को तो पहले इतना लिखो
ले क्या है फास्ट डाउट तो कुछ नहीं है यहां तक लिखना है लेकिन अच्छा एक बात फिर से cos इनवर्स x का जो कांसेप्ट आएगा वो कहां से पता चलेगा cos x से क्योंकि इसी का तो इनवर्स निकालने की कोशिश करें तो हमें cos x का डोमेन पता रियल नंबर रेंज पता -1 से 1 अब देखिए कैसे पता चल रहा है रेंज -1 से 1 है क्योंकि -1 से 1 के बीच में ये तो ग्राफ है दिख रहा है और ये कैसे पता चला डोमेन रियल नंबर देखो सभी जगह सारी x की वैल्यूज पुट कर सकते हैं आप आगे ये ग्राफ ऐसे चलता चला जाएगा इधर भी चलता चला जाएगा ऐसे ठीक है तो x की सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं लेकिन y की वैल्यू किसके बीच में रिस्ट्रिक्ट है -1 से 1 के बीच में ग्राफ है क्लियर है इतनी बात समझ में आ रही है अच्छा अब एक चीज रुको यार हम क्या करने वाले हैं हम इस फंक्शन को तोड़ने वाले हैं और कुछ ऐसे तोड़ने वाले हैं कि यदि हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो एक इंटरसेक्शन हो तो हम कितना ग्राफ लेने वाले हैं बहुत ध्यान से देखना ये जो इतना ग्राफ है हम इसको अलग से ड्रॉ करना चाहते हैं ये किसके बीच में ग्राफ है x की वैल्यू 0 से किसके बीच में पाई के बीच में है ना 0 से पाई के बीच में तो हमने देखो यहां पर x की वैल्यू 0 पाई बाय 2 पाई 0 से पाई के बीच में हम ग्राफ ड्रा करना चाहते हैं अच्छा 0 से पाई के बीच में इधर ग्राफ होगा लेकिन y की वैल्यू क्या है -1 से 1 के बीच में तो यहां पर हमने दिखा दिया -1 से 1 के बीच में अब यदि हम ग्राफ ड्रा करना चाहते हैं अच्छा 0 पर cos की वैल्यू कितनी थी 0 के सामने 1 ठीक है तो 0 के सामने ये 1 था ठीक है अच्छा पाई बाय 2 पर cos कितना था 0 यहां पर था पाई बाय 2 पर 0 होता है ठीक है और पाई के सामने कितना cos है -1 तो पाई के सामने कितना है -1 अब इनको हम जॉइन करना चाहे तो जनरली ये ग्राफ तो ऐसे होता है ना ऐसे होता है इधर वाला तो ड्रा नहीं कर रहा है केवल हमें इतने में ड्रा करना था तो ये जो ग्राफ है ये ऐसे कर्व में है ऐसे कुछ इस तरीके से कर्व में और इधर भी ऐसे कर्व में है ये बात समझ में आई ठीक है अब ये जो उतना ग्राफ है इस ग्राफ में हम इसको बोल सकते हैं 1-1 फंक्शन क्या बोल सकते हैं 1-1 फंक्शन क्यों बोलते हैं अभी फंक्शन पढ़ानी है फिर भी देखने की कोशिश करो 1-1 फंक्शन का मतलब ये होता है कि हम यदि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें तो एक इंटरसेक्शन मिले तो आप देखो यहां पे जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हो तो एक ही तो इंटरसेक्शन होगा ब्लू से दो एक ब्लैक लाइन ड्रा करके देखते हैं जैसे ये ड्रा किया तो इस ब्लू से कितने इंटरसेक्शन मिले एक तो एक इंटरसेक्शन होता है तो उसको क्या बोलते हैं 1-1 फंक्शन है अच्छा कहीं पर भी ऐसे ड्रा करके देखो आप तो एक ही इंटरसेक्शन होगा जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे ड्रा करो तब भी एक ही इंटरसेक्शन कहीं भी ड्रा करो एक इंटरसेक्शन लेकिन इस वाले में यदि हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं तो कितने इंटरसेक्शन 1 2 3 और आगे ग्राफ आता है बहुत सारे तो ये 1-1 नहीं था हम लोग कहते हैं इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन क्या हो 1-1 हो तो 1-1 के लिए हमने इतना ग्राफ काट लिया अलग से बना दिया अब ये फंक्शन हमारा है क्या जनरली किसका ग्राफ है fx equal to cos x का लेकिन इसमें हमने किया क्या इसमें हमने x की वैल्यू सारी नहीं ली हमने कौन सी वैल्यू ली 0 से पाई तक की ली है ना हमने 0 से पाई के बीच में ये बोला ये 0 से पाई के बीच में ये ग्राफ ड्रा करोगे तो वो ग्राफ होगा 1-1 कैसा होगा 1-1 और उसका और 1-1 होगा onto भी होगा क्या होगा onto तो ग्राफ की y की वैल्यू देखें तो -1 से कहां तक है 1 तक है तो ये जनरली इसके बराबर है ठीक है तो 1-1 onto दोनों है ये बात समझ में आ रही अच्छा इनपुट क्या हो रहा 0 से पाई आउटपुट कितना y की वैल्यू कहां से कहां तक है -1 से 1 एक बार फिर से समझना बहुत ध्यान से हमने क्या किया इस cos x का इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए केवल उतना ग्राफ लिया जितने में हो गया है 1-1 तो इतना ग्राफ कट करके अलग कर लिया इसमें 1-1 है और onto भी दो 1-1 onto वर्ड दो है समझ में नहीं आएंगे लेकिन वो फंक्शन में समझ में आएंगे बट अभी ये समझना कि ये हाँ ये 1-1 है onto इतना बस समझ लेना है ठीक है अब इसका इनवर्स क्या करेगा एग्जिस्ट लेकिन कब ये 1-1 है 0 से पाई डोमेन होनी चाहिए रेंज क्या होनी चाहिए -1 से 1 अब यदि इसका इनवर्स देखें हम लोग कहते हैं इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब 1-1 भी हो और onto भी अब इसका जो इनवर्स होता है जनरली वो होता है cos इनवर्स x अब इनवर्स के केस में होता क्या है ये y की वैल्यूज हैं और ये किसकी वैल्यूज हैं x की ये तो होता पहले x की बाद में y की तो होता कि ये जो रेंज होता है ये इस फंक्शन का क्या हो जाता है डोमेन उल्टा हो जाता है ठीक है और जो डोमेन होता है वो क्या हो जाता है रेंज हो जाता है इतनी बात समझ में आ रही है
तो इसका जो आउटपुट था रेंज था वो क्या बन गया डोमेन, इसका जो डोमेन था इसका क्या बन गया रेंज। ठीक है, अब देखना यहाँ पर ग्राफ में क्या होता है, x वाली वैल्यूज y पे चली जाती है, तो x पे क्या था 0π/2π था, इनवर्स में क्या हो गया 0π/2π y में चला गया। ठीक है, अब जो y पर वैल्यू क्या थी -1 और 1, तो जो y एक्सिस पर है वो कहां पर चली जाएंगी x एक्सिस पर -1 और 1। क्लियर है, बात समझ में आ रही। अब हम ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करते हैं, हम मान लेते हैं ये x एक्सिस थोड़ी देर के लिए y को x मान के चलते हैं, तो यार 0 के सामने क्या मिलेगा 1, पाई बाय 2 पर 0, पाई पर -1, तो इसके सामने पाई है इधर क्या है -1 है, तो हम इनको ग्राफ ड्रा करते हैं, ये कुछ ऐसा है। तो ये cos x का ग्राफ है, उतने में जितने में 1 और 2, ये किसका ग्राफ है cos इनवर्स x का ग्राफ है। ठीक है, एक बार फिर से देखो भाई, तो हमने स्टार्टिंग में क्या बनाया है cos इनवर्स ऑफ x, यदि आपसे कोई पूछे डोमेन क्या होती है -1 से 1, रेंज क्या होगी 0 से π। अच्छा ऐसा क्यों होता है वो cos x से पता चलता है, cos x का डोमेन एक्चुअल में रियल होता है, रेंज -1 से 1। हमने ग्राफ ड्रा किया, सब ऐसे ग्राफ ड्रा किया, लेकिन हमने ये देखा कि या हम केवल वो पोर्शन लेना चाहते हैं जिसमें एक एक इंटरसेक्शन मिले, मतलब फंक्शन 1 हो, तो हमने 0 से π वाले ग्राफ को बिल्कुल अलग किया, बस कट करके अलग कर दिया। अब इस वाले में ये 1-1 फंक्शन है और ऑन टू भी, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, कितने में एग्जिस्ट करना 0 से पाई में, और आंसर क्या आ रहा -1 से 1। अब इसका इनवर्स निकलेगा तो उल्टा हो जाता है, इनवर्स के केस में क्या होता है y वाली वैल्यूज x बन जाती है और x वाली वैल्यूज y, क्या ये चीज और ये चीज सेम लिखी है, ये समझ में आया ये कहां से आया होगा। ठीक है, अच्छा ये चीज आ गई, ठीक है ग्राफ समझ में आया कैसे हो गया। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि cos इनवर्स का जो आउटपुट होगा वो 0 से पाई के बीच में, और जो इनपुट होगा वो -1 से 1 के बीच में, ये ड्रॉ कर लीजिए। अब इस पर जस्ट क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, इधर वाला ये ड्रॉ हो गया। देखिए इस बार ग्राफ पोर्शन सीबीएसई ने हटा दिए हैं, क्योंकि हम ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जो ना। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखे रहे, ठीक है क्वेश्चन है फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, आपको प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। ठीक है, देख कितने क्वेश्चन हमारे सामने, दो क्वेश्चन है, इधर से मतलब बता देते हैं, एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन किसके हैं, cos इनवर्स x के, हमें निकालनी किसकी वैल्यू है y की। अच्छा cos इनवर्स x में y की वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए, 0 से पाई। अब देखना समझने की कोशिश करना, 0 से पाई का मतलब होता है 0 से पाई का मतलब ये है ना, तो ये 0 से 90 तक गया, फिर 90 से पाई है ना, 0 से पाई का मतलब है फर्स्ट और सेकंड, मतलब आपको cos इनवर्स का आंसर देना है तो किस क्वाड्रेंट में देना है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। इतनी बात समझ में आ रही, क्योंकि जीरो से पाई का मतलब होता है फर्स्ट और सेकंड में देना। अब हम फर्स्ट में आंसर देना होता है तो अल्फा देते हैं, क्या देते हैं, और सेकंड में आंसर देना होता है तो क्या देते हैं, पाई माइनस अल्फा 180 माइनस थीटा देते हैं। तरीके से बात समझ में आ रही, फर्स्ट में आंसर देना तो क्या दोगे अल्फा, सेकंड में देना तो क्या दोगे पाई माइनस अल्फा। अब ये कैसे पता चलेगा फर्स्ट में देना या सेकंड में देना है, पर बहुत ध्यान से देखो cos इनवर्स के अंदर यहां क्या है पॉजिटिव, ठीक है, cos इनवर्स के अंदर यहां कैसा है नेगेटिव। यदि cos इनवर्स के अंदर पॉजिटिव है तो फर्स्ट में देना है, यदि cos इनवर्स के अंदर नेगेटिव है तो सेकंड में। ऐसा क्यों, क्योंकि cos पॉजिटिव कहां होता है फर्स्ट में होता है, cos नेगेटिव कहां होता है सेकंड में होता है। इतनी बात समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं भाई, फर्स्ट पार्ट में पॉजिटिव होता है इसके पॉजिटिव के हिसाब से देना, सेकंड में नेगेटिव होता तो नेगेटिव के हिसाब, मतलब इसके अंदर पॉजिटिव तो किस में देना फर्स्ट में, इसके अंदर नेगेटिव तो किस में देना सेकंड में। अब देते हैं आंसर। अच्छा cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, 65 कब होती है, 60 का मतलब पाई बाई 3 पर। अब बहुत ध्यान से देखना cos इनवर्स के अंदर नेगेटिव है, मतलब आंसर किस में देना सेकंड में, सेकंड में देना तो क्या लिखना पाई माइनस अल्फा का मतलब होता है, कैसे सोचना है 1/2 लिखा अंदर, तो हां हमें सोचना है कि 1/2 कब होता है cos 60 पे, तो पाई माइनस अल्फा का मतलब हो गया 60, क्लियर। तो पाई से पाई बाय 3 हटाएंगे क्या आएगा 2 पाई बाय 3, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से एक बार देखो, यहां अंदर पॉजिटिव था इसलिए डायरेक्ट लिख दिया अल्फा, अंदर नेगेटिव था तो सेकंड में देना था इसलिए क्या लिखा पाई माइनस अल्फा, अल्फा का मतलब 1/2 का है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं लिखे। और कुछ क्वेश्चंस करते पहले इतना ही, तो अभी डाउट को तो पूछो यार। इसको फोर्थ में नहीं दे सकते हैं, वो भी पॉजिटिव होता है बेटा, रेंज इज फ्रॉम 0 टू 5, ओके, इसी हिसाब से क्योंकि डिफाइन भी किया ना अभी 0 से 5 क्यों ले रहे हैं। y equal to cos inverse sin, y equal to cos inverse sin cos inverse 1/2, cos inverse 1/2 आपको इसकी वैल्यू पता है, ओके okay, मैं जैसे पूछूंगा आपको बताएं, ठीक है, चलो इधर इधर भाई आप बताएं, जैसे मैंने तो थोड़ा सा ये लिखा y equal to cos inverse फिर ब्रैकेट साइन लिख दिया, मुझे इसकी वैल्यू पहले तो आपको बतानी है, cos inverse के अंदर कैसा लिखा पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब फर्स्ट में दोगे या सेकंड में, फर्स्ट में। अच्छा 1/2 कब होता है cos 60 पर, 60 का मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी पाई बाय 3, पास में भी आ गई तो साइन लिखा इसकी वैल्यू पाई बाय 3। अब आप बताओ ये cos इनवर्स लिखा, ये साइन 60 लिखा होगा, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है, पास में भी आई। अच्छा आप बताओ कि cos इनवर्स के अंदर पॉजिटिव है तो फर्स्ट में दोगे या सेकंड में, फर्स्ट में। अच्छा फर्स्ट में दोगे तो डायरेक्ट अल्फा लिखना होगा, √3/2 कब होता है cos 30 का, √3/2 कब होता है 30 का मतलब पाई बाय 6 है, इजी, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस कर ले तो आगे लिखिए फास्ट। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग,
ठीक है, फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x-1। इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन की डोमेन बतानी है। डोमेन ओके इधर वाला लिख दिया सभी का, इधर देखो, अच्छा समझो, इधर पहले कॉस इनवर्स का जो डोमेन होता है, जल्दी हम ये यहां से लिखते हैं, कॉस इनवर्स के अंदर जो इनपुट होता है वो जो एक्स होना चाहिए, कुछ भी लिखा हो किसके बीच में होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में, है ना, ये इनपुट की बात की जा रही है ना, -1 से 1 के बीच में, तो यहां पर जनरली इनपुट के प्लेस पर क्या है 2x-1 और ये जो इनपुट है -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। डोमेन का मतलब होता है x की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी, x की, तो इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा, बीच में x बचाना, तो कैसे बचाएंगे, पहले तो -1 को बचाएंगे, तो -1 के पास +1 लाना पड़ेगा, तो यहां पर क्या बचा 2x भाई +1 कर दिया, तो सभी जगह +1 करना पड़ेगा, यहां पर 1 + 1 2, -1 + 1 0। अभी देखो बीच में x बचा है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करें तो ये x बचेगा, यहां पर क्या बचेगा 1, यहां पर क्या बचेगा 0। x की वैल्यू किसके बीच में आ गई 0 से 1, मतलब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में इसमें पुट करेंगे तभी ये फंक्शन डिफाइंड होगा, तभी आंसर देगा कुछ, नहीं तो आंसर नहीं देगा। देखिए फर्स्ट चलिए एक और क्वेश्चन है, इसकी भी डोमेन निकालनी है, fx इक्वल टू cos इनवर्स x² - 4, cos इनवर्स x² - 4। अच्छा इधर वाला ये लिख गया, चलो इधर देखो, इसको नहीं कर पाओगे आप, इधर देखिए सभी लोग, cos इनवर्स के अंदर क्या लिखा हुआ है x² - 4, किसके बीच में होना चाहिए -1 से 1 के बीच में, मतलब जो भी लिखा होता है वो जितनी भी क्वांटिटी लिखी हुई है उसको हमें -1 से 1 के बीच में लिखना होता है। अब हमें बीच में किसको बचाना है, x को, तो इसको +4 दे दें, तो +4 देने का मतलब क्या बचेगा x², अच्छा इसको +4 दोगे तो क्या बचेगा 5, इसको +4 देने पर 3 बचेगा, क्लियर है, ये बात समझ में आ रही, बीच में क्या बचाना है x, तो क्या करना पड़ेगा अंडर रूट x² है ना, तो रूट लेना पड़ेगा, अच्छा इसका रूट लोगे तो ये रूट ऑफ x² के जैसा हो जाएगा, ठीक है, इधर 5 का रूट कितना होगा √5 और 3 का रूट कितना होगा √3, ये बात समझ में आ रही, अच्छा रूट ऑफ x² कितना होगा √x²
दैट इज मॉड एक्स, क्या होता है मॉड एक्स, नॉट एक्स, एक्स नहीं, क्या लिखोगे मॉड एक्स। कभी भी एक्स स्क्वायर का रूट लेना है तो क्या लिखना होता है मॉड एक्स लिखना होता है, क्यों, क्योंकि ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देती है इसलिए मॉड लगाते हैं। अब तुम ऐसे सोच लो कि यार ये है माइनस टू का स्क्वायर, तुम क्या करते हो ये टू और रूट बैक कर देते हो, जो लिखा होता वो लिख देते हो, इसका मतलब टू और रूट बैक करोगे तो ये माइनस टू दे देगा, गलत नहीं हो जाएगा, कभी निगेटिव वैल्यू आनी चाहिए रूट में नहीं, इसका क्या लेना पड़ जाता है मॉड लेना पड़ जाता है। बात समझ में आ रही है, तो हमेशा कभी भी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है तो आप उसको क्या लिखिए मॉड एक्स लिखिए। तो ये कितना आ गया रूट थ्री से रूट फाइव के बीच में, अभी लफड़ा हो गया, क्या लफड़ा हो गया, एक्स की वैल्यू नहीं आई मॉड एक्स की वैल्यू आई। तो मॉड के केस में तो मॉड की इस तरीके की डबल इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं उसका याद रखना फॉर्मूला। जैसे कभी भी ऐसे लिखो मॉड एक्स की वैल्यू ए से बी के बीच में, इसके बीच में ए से बी के बीच में, और इसका सॉल्यूशन लिखना हो तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है एक्स बिलोंग्स टू इधर वाले को पहले लिखते हैं माइनस बी से माइनस ए यूनियन ए से बी, ए से बी, इस तरीके का सॉल्यूशन लिखते हैं। क्लियर है, आप याद रखना कभी भी मॉड एक्स किसके बीच में हो ए से बी के बीच में तो क्या लिखना माइनस बी से माइनस ए ए से बी और बड़े बड़े वाले ब्रैकेट लगा के, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत बहुत ध्यान से देखो ये मॉड एक्स, इसको ए मान ले, इसको क्या मान ले बी, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो माइनस बी मतलब माइनस का रूट फाइव माइनस बी माइनस ए मतलब माइनस का रूट थ्री यूनियन ए से बी, ए का मतलब रूट थ्री बी का मतलब रूट फाइव, ये सोल्यूशन आएगा, ये डोमेन आएगी। याद रखना फिर से याद देखो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे मॉड एक्स, ठीक है, मॉड एक्स ए से बी के बीच में है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा माइनस बी से माइनस ए से बी, ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। क्लियर है, लिख लीजिए फास्ट। सबसे लास्ट वाला होगा स्विच, सबसे लास्ट ऊपर से सबसे लास्ट एग्जॉस्ट होगा ना बस, या तो पंखे पे बैठो, मैं पंखा चला दूंगा तो भी नहीं चलेगा। ये समझ में आ गया, इतना आ गया ना भाई, ठीक है। एक बार फिर से, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा तो क्या लिखोगे मॉड एक्स, ए से बी के बीच में होगा तो सॉल्यूशन क्या लिखते माइनस बी से माइनस ए यूनियन ए से बी। चलिए एक और डोमेन का क्वेश्चन करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू टू कॉस इनवर्स टू एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, इसका डोमेन फाइंड आउट करना है इस फंक्शन का, फाइंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन।
चलिए अब इधर को कैसे करते हैं, इधर को यार यहाँ दो फंक्शन एडिशन है, इसमें एडिशन है, तो करते हैं क्या, पहले वाले फंक्शन की डोमेन निकालते हैं, यदि इसकी डोमेन निकाले तो यार कॉस इनवर्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, 2x, और 2x की वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए, माइनस वन से वन, ठीक है। अब देखो एक दूसरा और फंक्शन है, तो हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं, दूसरे फंक्शन की भी डोमेन निकालेंगे और इसके साथ क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। अच्छा यहाँ पर कौन सा फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स, अच्छा इसके अंदर भी जो इनपुट होना चाहिए वो भी माइनस वन से वन के बीच में, तो यहाँ पर जो ये एक्स लिखा ये भी माइनस वन से वन के बीच में। अब इन दोनों को सॉल्व करके दोनों का कॉमन आंसर निकला है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए टू से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको 2 से डिवाइड करें तो x बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1/2, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 1/2, ये तो पहले से ही सॉल्व है, x डायरेक्ट लिखा है x की वैल्यू माइनस 1 से 1 के बीच में, क्लियर है। अब दोनों का कॉमन करें तो आई थिंक कॉमन ये आएगा, दोनों में कॉमन तो यही है ना, यदि ये चीज समझ में नहीं आ रही तो ऐसे कॉमन करते हैं, नंबर 9 खींची माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, माइनस वन बाई टू, वन बाई टू, वन माइनस वन और वन, चारों को रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे छोटा कौन इन चारों में, माइनस वन, उससे बड़ा माइनस वन बाई टू, उससे बड़ा वन बाई टू, सबसे बड़ा वन। अब यार ये पहला वाला क्या बोल रहा है, माइनस वन बाई टू से वन बाई टू के बीच में आंसर मिलना है, ठीक है। अब दूसरा वाला क्या बोल रहा है, माइनस वन से वन के बीच में आंसर लेना है। अब दोनों की लाइनें कहां पर प्रेजेंट है, माइनस वन से वन, सॉरी माइनस वन बाई टू से वन बाई टू के बीच में, तो आपका जो सोल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस वन बाई टू से वन बाई टू, दोनों में लेना है, तो ये क्लोज ब्रैकेट, समझ में आ रहा है, कोई डाउट हो तो पूछे यार, तो इसका अलग निकाला, इसका अलग, फिर दोनों का क्या कर दिया, कॉमन कर दिया, लिखिए भाई फास्ट। हो गया भाई, इतनी बात समझ में आई है ना, चलिए आगे देखिए, एक क्वेश्चन लिख लेते, पहले क्वेश्चन लिख लो बेटा, इफ इफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू माइनस वन से वन, बिलोंग्स टू माइनस वन से वन, इसका मतलब क्या होगा, मतलब x किसके बीच में होगा, माइनस वन से वन के बीच में, y भी और z भी इन्हीं के बीच में होंगे, माइनस वन भी हो सकते हैं और वन भी हो सकते हैं। अब एक चीज आगे लिखे, एंड आगे लिखे, एंड cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू जीरो, cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z equal to 0, आगे लिखे, then find value of x plus y plus z, आपको x plus y plus z की value बतानी है, एक बार समझ लो, तो क्या given है, ये given है x y z इनके बीच में lie करेगा minus 1 से 1 के बीच में, और इनका sum 0 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बतानी था, बहुत ध्यान से सुनो थोड़ी सी, एक बार हम ये आपसे पूछे जो cos इनवर्स x का रेंज है वो कहां से कहां तक, 0 से पाई, क्लियर है। तो cos इनवर्स x का जो जनरली cos इनवर्स x है, इसका cos इनवर्स x का रेंज है 0 से पाई के बीच में। अब ये हम पूछे इसकी cos इनवर्स x की मिनिमम वैल्यू क्या होती, तो रेंज में सबसे छोटी वैल्यू कौन है, 0, और मैक्सिमम वैल्यू पाई,
ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। मिनिमम वैल्यू जीरो, मैक्सिमम वैल्यू पाई। अच्छा कॉस इनवर्स, अब एक चीज और समझना, कॉस इनवर्स एक्स जीरो कब होगा, कॉस इनवर्स एक्स जीरो कब होगा बताइए। वन पर जीरो कब होगा, जब एक्स की वैल्यू वन होगी, ठीक है। और कॉस इनवर्स एक्स पाई कब होगा, जब एक्स की वैल्यू माइनस वन होगी। एक बार बस ध्यान से सुन लिया, जैसे यहाँ पे हम वन रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम वन रखते हैं थोड़ी देर के लिए, एक्स के लिए वन, एक्स की जगह वन रखते हैं, तो हम सोचते हैं यार कॉस की वैल्यू वन कब होती है, जीरो है ना, तो आंसर कितना आ गया जीरो। अब देखना एक्स की जगह यहाँ पर माइनस वन पुट कर देगा। अच्छा कॉस की वैल्यू माइनस वन कब होती है, पाई पर, कब होती है पाई पर, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जीरो कब आता है, जब एक्स की वैल्यू वन होती है, पाई कब आता है, जब एक्स की वैल्यू माइनस वन होती है। तो एक बात बहुत ध्यान से समझो, ये किसके लिए, ये मिनिमम वैल्यू के लिए था, ऊपर वाला किसके लिए था मिनिमम, और नीचे वाला किसके लिए था मैक्सिमम वैल्यू के लिए, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा cos इनवर्स x की मिनिमम वैल्यू 0, cos इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू पाई, cos इनवर्स x की मिनिमम वैल्यू 0 होती है लेकिन कब होती है x = 1 पर, याद रखना है। cos इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू पाई होती है लेकिन कब होती है x = -1 पर। अब हम ध्यान से समझो, इन तीनों का सम कितना है, जीरो। और कहते हैं cos इनवर्स x पॉजिटिव होता है, कैसा होता है, जीरो होगा या पॉजिटिव, क्या कभी इसमें नेगेटिव है, जीरो से पाई में नेगेटिव तो है ना, जीरो से 3.14 लिखा है, एक तरीके से ये लिखा है, पाई का मतलब कितना होता है 3.14, तो जीरो से 3.14 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो निगेटिव होगा नहीं, तो इन तीनों का एडिशन जीरो रखना है। कब जीरो होगा, जब ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो और ये भी जीरो, मतलब कॉस इनवर्स एक्स जीरो कब होता है, जब एक्स की वैल्यू वन होती है, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा कॉस इनवर्स वाई जीरो कब होगा, जब वाई की वैल्यू वन होगी, कॉस इनवर्स जेड जीरो कब होगा, जब जेड की वैल्यू वन होगी। एक बार फिर से समझो, यदि ये तीनों जीरो हो गए तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो क्या दे देगा, जीरो, तभी तो जीरो आएगा, ठीक है। अब कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू जीरो कब होती है, जब एक्स की वैल्यू वन होती है। cos inverse y की वैल्यू 0 कब होगी, जब y की वैल्यू 1 होगी। cos inverse z की वैल्यू 0 कब होगी, जब ये z 1 होगा। तो x y z की वैल्यू आ गई, अब हमें इनका सम पूछा गया, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1, कितना आ गया 3। बात समझ में आई, अभी डाउट को तो डिस्कस कर लो, नहीं तो लिख लो, कोई डाउट है पूछो भाई। हमें ये गिवन था x y z क्या है, -1 से 1 के बीच में, अब इन तीनों का सम क्या है, 0। तो ये जीरो कब आना होगा, जब ये तीनों जीरो रहे होंगे, है ना, पर इसकी वैल्यू भी जीरो होगी, इसकी भी वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू जीरो, तभी तो इनका सम जीरो आएगा। अब cos इनवर्स x की वैल्यू जीरो कब होती है, जब x x की जगह 1 हो, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जीरो करनी थी, इसका मतलब x की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, 1। इसकी वैल्यू जीरो करनी, मतलब y की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, 1। इसकी वैल्यू जीरो करनी, मतलब z की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, 1। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, यहां रख दिया वैल्यूज, क्लियर है। अभी फिर से डाउट फिर से पूछो, हो गया भाई। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन लिखेगा, लिखे इफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू -1 से 1, बिल्कुल सेम लिखना। एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू -1 से 1, आगे लिखे एंड एंड cos inverse x plus cos inverse y
प्लस कॉस इनवर्स जेड, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स जेड इक्वल टू थ्री पाई, इक्वल टू थ्री पाई। क्लियर है? इनका सम अब कितना दे दिया, थ्री पाई। तो आपको वैल्यू बतानी है, देखिए आगे, देन फाइंड वैल्यू ऑफ, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस जेड, वाई जेड प्लस एक्स, जेड एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आई थिंक ये क्वेश्चन कर सकते हो आप। थ्री पाई सम कब आएगा, जब इनकी सबकी मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू लोगे, भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, पाई, तो इसकी वैल्यू भी पाई हो जाए, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाए, पाई, इसकी वैल्यू भी पाई, तो पाई प्लस पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा, थ्री पाई। लेकिन कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई कब होती है, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था माइनस वन का, है ना, यदि आपसे बोले तो कॉस इनवर्स एक्स की जगह माइनस वन रख दो, तो माइनस वन कब होता है, पाई, ऐसे सोचो, नहीं समझे, तो कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई कब होती है, माइनस वन पर, तो एक्स की जगह क्या होना चाहिए, माइनस वन, वाई की जगह भी क्या होना चाहिए, माइनस वन, यदि कॉस इनवर्स माइनस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई, कॉस इनवर्स माइनस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई, तो जेड की वैल्यू माइनस वन। बस बन जा रही, एक बार फिर से देखो, इन तीनों का सम कितना आना चाहिए, 3 पाई, इसका मतलब इसकी वैल्यू पाई, इसकी वैल्यू पाई, इसकी वैल्यू पाई, इसका मतलब x की जगह क्या होना चाहिए, माइनस वन, तभी तो ये आउटपुट पाई देगा, y की जगह माइनस वन होना चाहिए तभी आउटपुट पाई देगा, z की जगह माइनस वन होना चाहिए तभी आउटपुट पाई देगा, तो x y z माइनस वन माइनस वन माइनस वन, अब इसकी जगह पुट कर दीजिए, x की जगह माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस टू, माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस टू, माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस टू, तो ये टू 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 कितना आ जाएगा, सिक्स। सर कॉस किया तो उसको माइनस वन होगा तो कैसे पाई देगा हमको बेटा? अच्छा एक चीज बताओ, जैसे कॉस इनवर्स मैंने पुट किया जीरो, क्या देगा, जीरो कब होता है कॉस, जीरो कब होता है कॉस, है जीरो पाई बाय टू कब होता है, कब होता है, कब होता है, ऐसे आप देखना बहुत समझना, कॉस इनवर्स रूट थ्री बाय टू कब होता है, रूट थ्री बाय टू कब होता है, थर्टी, थर्टी का मतलब कॉस इनवर्स, अच्छा वन बाय टू कब होता है, सिक्सटी का मतलब पाई बाय टू, कॉस इनवर्स वन कब होता है, जीरो कब, जीरो है ना, जीरो कब, कॉस इनवर्स माइनस वन, माइनस वन कब होता है, जब पाई, है ना, पाई कब आएगा, जब इनपुट माइनस वन होगा, जीरो कब आएगा, जब इनपुट वन होगा, पाई बाय थ्री कब आएगा, जब इनपुट वन बाय टू होगा, नंबर इनपुट करते हैं एंगल आउटपुट मिलता है, तो जनरली यहाँ पर एक्स की जगह क्या होना चाहिए, माइनस वन, तभी तो पाई देगा, है ना, पाई कब मिलता है, माइनस वन कब मिलता है ना, ऐसे ये लिखो चाहो तो लिखते हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा सा साइन इनवर्स का लेते हैं, है ना, बीच में एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, देखते कौन बताता है, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू रूट टू, टू रूट टू, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, आपको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू,
देख के कॉल कर पाता है। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब बाई की वैल्यू होता है, वो भी किसके बीच में आएगा, साइन इनवर्स का आउटपुट माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, कॉस इनवर्स का होता तो 0 से पाई के बीच में, है ना। साइन इनवर्स का आंसर आना चाहिए माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमने क्या किया, रूट थ्री बाई टू को अलग किया, ठीक है, समझना बहुत ध्यान से, और वन बाय रूट टू को अलग किया, वन बाय रूट टू को अलग किया। देखिए क्या हो गया, ऊपर रूट थ्री देगा, नीचे टू रूट टू देगा, तो रूट थ्री अपॉन टू रूट टू हो गया, फिर ये माइनस वन बचा, माइनस वन बाई टू को अलग किया और वन बाय रूट टू को अलग किया। देखिए मल्टीप्लाई करके देखिए, वन इंटू वन वन देगा, टू इंटू रूट टू ये देगा, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब यार बाहर साइन इनवर्स है तो हमें ये हमेशा सोचना होता है कि अंदर साइन बना ले, क्या बना ले, साइन। अब देखना बहुत ध्यान से, साइन इनवर्स है तो यार साइन की वैल्यू रूट थ्री बाई टू कब होती है, 60 बाई, कब होती है 60, तो इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाई थ्री, वो साइन 60 मतलब रूट थ्री बाई टू। अच्छा कॉस की वैल्यू वन बाई रूट टू कब होती है, कॉस 45 पर, ठीक है, माइनस वन बाई टू कब होता है, कॉस 60 पर, 60 पर होता है, और वन बाय रूट टू कब होता है, साइन साइन 45 पर। ऐसा ये क्यों लिखा समझना, क्योंकि ये फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, क्या साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये जो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी होता है कि नहीं, है ना। तो यार बस हमने रूट थ्री बाई टू को साइन 60 लिख दिया, वन बाई रूट टू को कॉस कॉस लिख दिया, साइन कॉस का कॉम्बिनेशन होता है, कॉस साइन का कॉम्बिनेशन होता है साइन में, और इसको कॉस लिख दिया, इसको साइन में चेंज कर दिया, तो अब होगा क्या, साइन इनवर्स है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये आएगा साइन ए की जगह पाई बाय 3, ए माइनस बी की जगह पाई बाय 4, साइन ए माइनस बी, अगेन ए माइनस बी, तो क्या होता है फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ले लिखा होगा ऊपर। अब तो साइन इनवर्स और साइन दुश्मन होते हैं, ये कैंसिल हो गए तो बचा कितना, पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4, तो कितना एलसीएम आएगा, 12, कितना आएगा 12, ऊपर क्या आ जाएगा 4 पाई माइनस 3 पाई, मतलब 4 पाई से 3 पाई के पाई बाई 12, समझ में आया, ठीक है, बहुत इजी है, बस इसको हमें क्या कन्वर्ट कर देना था, साइन में कन्वर्ट कर देना, लिख लीजिए डाउट तो पूछिए।
रब करें, जल्दी लिखो बेटा फास्ट। चलिए बहुत ध्यान से देखना है। अब हम लोग बात करने वाले, जो साइन इनवर्स का पहले कर लिया, अभी ये कॉस इनवर्स एक्स पर बेस्ड क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने, कई सारे कर लिए, ठीक है। अब हम लोग देखें टैन इनवर्स एक्स पर बेस्ड, क्लियर है। तो एफ एक्स इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स, इसके बारे में देखते हैं। तो भाई सबसे पहले तो हर एक फंक्शन का डोमेन पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, रेंज। तो कहते इस फंक्शन में इनपुट करना है तो सारे के सारे रियल नंबर इनपुट कर सकते हो, मतलब फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी, सारे नंबर, सारे नेगेटिव, सारे जीरो, सारे पॉजिटिव, सब कुछ इनपुट कर सकते हो। लेकिन जो आउटपुट आता है वो ओपन ब्रैकेट माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 आता है। इसका मतलब ये होता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आंसर आएगा, और तो ओपन है मतलब माइनस पाई बाय 2 नहीं आएगा और पाई बाय 2 नहीं आएगा, इनके बीच में आएगा, ठीक है। तो जैसे आपसे कोई पूछे टैन इनवर्स एक्स का डोमेन, तो क्या बोलोगे, रियल नंबर। रेंज आंसर किसके बीच में आएगा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में। अच्छा ऐसा क्यों है, ये तो रटने के जैसा हो गया, डोमेन रियल हो गया, रेंज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है, समझना। इसके लिए हम जाते हैं tan x के पास, किसके पास जाते हैं, tan x। अच्छा tan x के बारे में हमें सब कुछ आना चाहिए, tan x के बारे में। तो tan x का यार डोमेन क्या होता है, डोमेन रियल नहीं, रियल नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता, रियल सुन लो, tan 0 कितना होता है, tan 0 tan 0 tan 0 होता है 0, tan 30 1/√3, tan 30 क्या होता है 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, लिख दूं, लिख दे रहा हूं देखो, tan 0 0, tan 30 का मतलब पाई बाय 6 लिखोगे, है ना, डिग्री में लिख रहा हूं। ये कितना होगा 1/√3, tan 45 1, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 not defined, क्या not defined। अब एक चीज समझो बहुत ध्यान से, इंफिनिटी मिल रहा है इसमें आंसर, तो ये क्वाड्रेंट वाइज कहीं पॉजिटिव होगा तो कहीं नेगेटिव, तो यदि प्लस इंफिनिटी मिल रहा तो माइनस इंफिनिटी भी मिलेगा, यदि प्लस वन मिल रहा तो माइनस वन भी मिलेगा, ये जीरो मिल रहा है ना, तो मतलब जीरो भी मिल रहा है, सारे पॉजिटिव भी मिल रहे हैं इन्फिनिटी तक, और सारे निगेटिव भी मिलेंगे इन्फिनिटी तक, बात समझ में आ रहा है। तो आंसर क्या आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, ठीक है। आंसर तो सब कुछ आ रहा है, लेकिन डोमेन में क्या है, इनपुट क्या कर पा रहे हो, 90 पर देखो क्या फंक्शन डिफाइंड है, नहीं, tan 90 होता है not defined, क्या होता है not defined, इसका मतलब हम इसके अंदर 90 नहीं put कर सकते x की जगह, भाई x की जगह 90 put किया तो tan 90 not defined, मतलब 90 के साथ उसकी फैमिली भी put नहीं होगी, 90 की फैमिली होती बहुत ध्यान से देखना, हम कहेंगे सब कुछ put करना लेकिन 90 की फैमिली put ना करना, 90 की फैमिली होती है 2n plus 1 pi by 2, ये फैमिली होती है। अच्छा इसको फैमिली क्यों बोलते हैं, n की जगह 0 रख के देखो, n की जगह 0 रखोगे 2 into 0 0 plus 1 into pi by 2, तो बचा कितना pi by 2, pi by 2 का मतलब 90, 10 pi by 2 क्या not defined। अच्छा 1 put करके देखिए, तो 1 put करोगे 2 into 1 plus 1 ये 3 हो जाएगा, 3 pi by 2 10 3 pi by 2 भी not defined होता है, मतलब ये values हम लोग नहीं put कर सकते, जनरली ये लिखा है odd number, क्या लिखा है odd multiple of pi by 2, हम लोग 10 10 में क्या इनपुट नहीं करते, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तो सब कुछ पुट करना सारे रियल नंबर लेकिन पाई बाय 2 की फैमिली पुट ना करना, याद आया, समझ में आया, क्यों नहीं पुट कर रहे, क्योंकि 10 90 क्या होता है नॉट डिफाइंड, तो हम इसलिए 90 की फैमिली हटा रहे, सब कुछ पुट करना लेकिन 90 की फैमिली पुट ना करना। अच्छा रेंज क्या आ रहा है, आंसर क्या क्या आ रहा है,
तो डोमेन में तो 90 पुट नहीं कर पा रहे, लेकिन आंसर सब कुछ आ रहा है, प्लस इंफिनिटीज और माइनस इंफिनिटी भी और जीरो, मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी सारा कुछ आंसर आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, रियल नंबर। ये बात समझ में आ रही थी कि tan x का, ये आपसे कोई पूछे डोमेन क्या होता है तो कहता है सब कुछ होता है, लेकिन 90 की फैमिली नहीं होती है, पाई बाय 2 की फैमिली नहीं होती है ना। अच्छा आउटपुट क्या आता है, कहता है सब कुछ आता है, tan में सब कुछ आता है, प्लस इंफिनिटी भी मिलेगा, माइनस इंफिनिटी भी मिलेगा, जीरो भी मिलेगा, सब पॉजिटिव मिलेगा, सब नेगेटिव भी मिलेगा। क्लियर है, ये बात समझ में आई? ठीक है, अब इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। जैसे ये जीरो है, ये पाई बाय 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाय 2, इधर माइनस का पाई बाय 2 है, माइनस का पाई है और माइनस का 3 पाई बाय 2। अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, फंक्शन किस चीज पे डिफाइंड नहीं है, पाई बाय 2 पर, किस पे डिफाइंड नहीं है, तो एक काम करते हैं, पाई बाय 2 के सामने ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसके सामने फंक्शन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। पाई बाय 2 की फैमिली होती है 3 पाई बाय 2, तो इसके भी फंक्शन डिफाइंड नहीं होना चाहिए। माइनस पाई बाय 2 भी पाई बाय 2 की फैमिली होती है, तो इसके भी फंक्शन डिफाइंड नहीं होना चाहिए, और माइनस 3 पाई बाय 2 भी इसकी फैमिली, तो इसके भी फंक्शन डिफाइंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बहुत ध्यान से बताना, tan 0 कितना होता है, 0 0 ये 0 ये है, यही पे x भी 0 y भी 0 है ना, x की जगह 0 रखा तो y भी 0 मिलेगा। अच्छा tan 90 कितना होता है, नॉट डिफाइंड, तो 90 के सामने नॉट डिफाइंड यहां पर मतलब प्लस इंफिनिटी, तो इसके सामने यहां इंफिनिटी है, तो दो पाई बाय 2 पुट किया तो क्या मिलेगा, इंफिनिटी, माइनस पाई बाय 2 पर माइनस इंफिनिटी। ठीक है, तो इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं कर्व वाइज, क्लियर है, 90 के सामने ग्राफ है इंफिनिटी पर, माइनस 90 के सामने कहां पर है, माइनस इंफिनिटी, जीरो पे कहां पर है, जीरो पे ये। ठीक है, अब यही ग्राफ बार बार रिपीट होता है tan x का, tan x का ये ग्राफ बार बार रिपीट होता है, इतनी बार समझ में आ रही है, तो ये कैसे बनता है, जीरो पे जीरो, 90 पे नॉट डिफाइंड, माइनस 90 पे माइनस इंफिनिटी। क्लियर है, इतना पहले लिखवा, आगे देखते हैं तो। साइड बस क्यों नहीं,
अब बहुत ध्यान से समझिए, हम इसमें से वो ग्राफ कट करना चाहते हैं जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें एक इंटरसेक्शन के लिए, समझना बहुत ध्यान से। तो हम कौन सा ग्राफ कट करेंगे, ये वाला ग्राफ, समझना। इतना ग्राफ हम अलग से ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है, क्यों करना चाहते हैं उसका रीजन बताते हैं। ये ग्राफ किसके बीच में, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, तो हमने देखिए यही ड्रॉ किया, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में ड्रॉ किया। 0 पर कितना मिल रहा था, 0, पाई बाय 2 के सामने कितना मिल रहा था, इंफिनिटी, माइनस पाई बाय 2 के सामने माइनस इंफिनिटी, तो इनको ज्वाइन करें तो ये कुछ ऐसा कर्व था, ठीक है। अब देखिए ये 1 1 है, कैसा है 1 1, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो इसके कर्व में एक ही इंटरसेक्शन मिलेगा, और आउटपुट क्या है, माइनस इंफिनिटी से कहां तक है, प्लस इंफिनिटी तक, तो ये ऑन टू भी हो गया 1 1 1 2, इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, कब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, बहुत ध्यान से समझना, ये फंक्शन tan x है, जनरली इसमें जो डोमेन है, इसकी जो डोमेन है वो हम लोग क्या लेकर के चल रहे हैं, किसके बीच में फंक्शन लेके चल रहे हैं, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में लेके चल रहे हैं ना, तो वो दो जो ग्राफ है किसके बीच में, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ये पे इसकी वैल्यू है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में लेके चल रहे हैं। देखिए पाई बाय 2 है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि डॉटेड लाइन है, इसके सामने ग्राफ नहीं होना चाहिए, तो है नहीं का मतलब ओपन, माइनस पाई बाय 2 के सामने भी कर्व नहीं है, है ना, तो इस पे भी क्या लगेगा ओपन। अब एक चीज, वो आंसर कहां से कहां तक है, कर्व माइनस इंफिनिटी से y और कहां तक जा रहा है, प्लस इंफिनिटी, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, सारे के सारे रियल नंबर, ये बात समझ गए, तो फिर से ये जो ग्राफ था x की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, y की वैल्यू तो सब कुछ y की वैल्यू रियल नंबर। अब ये इसका इनवर्स लिखना है, तो इनवर्स के केस में क्या होता है, tan x का इनवर्स होता है tan इनवर्स x, और जो रेंज होता है वो क्या बन जाएगा, डोमेन, तो बनाने की कोशिश करते हैं, रेंज क्या है रियल नंबर, तो इसकी क्या बन गई डोमेन, और डोमेन क्या बन जाएगा, रेंज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, क्या ये और ये सेम है, tan इनवर्स x का डोमेन रियल नंबर, tan इनवर्स x का रेंज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। अब ग्राफ दो कैसे ड्रॉ होगा, बहुत ध्यान से समझो यार, 0 पे कितना होगा, 0, पाई बाय 2 के सामने जाएगा इंफिनिटी, और माइनस पाई बाय 2 के सामने जाएगा माइनस इंफिनिटी, क्लियर है। ये जो ग्राफ बनेगा, ये कुछ ग्राफ आपका ऐसे आ जाएगा, ये tan इनवर्स x का ग्राफ है, ये tan x का ग्राफ है, क्लियर है, लेकिन ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, क्लियर है, इसको बना लीजिए फास्ट। तो होता क्या है, ये y एक्सिस के अलोंग है, तो ये x एक्सिस के अलोंग, बस इनवर्स में ये है, बस अच्छा रीजन समझ में आ रहा है ना, ये आउटपुट ये है क्यों, ऐसा डोमेन रियल और रेंज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है ना, ये पूरा एक्सप्लेनेशन है उसका, है ना, ये पोर्शन सीधे से हटा दिया ग्राफ का, बस ऊपर वाला वो बॉक्स केवल इतना डब्बा, ये हमने इसे लेके देंगे एनसीईआरटी क्रेडिट सेट के क्वेश्चन पर, हां सब करेंगे ना, काफी सारे करेंगे क्वेश्चन। जल्दी लिखो बैक फास्ट, हो गया, चलिए क्वेश्चन लिखे,
फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू टैन इनवर्स वन। सेकेंड क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू या वाई इक्वल टू लिखते हैं, पर वाई की वैल्यू बतानी है तरीके से, वाई इक्वल टू टैन इनवर्स माइनस वन। एक पहले समझ लो कॉन्सेप्ट, इसका जो आउटपुट आता है टेन इनवर्स एक्स का किसके बीच में आता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू का मतलब किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और फोर्थ में। इतनी बात समझ में आ रही है, फर्स्ट और फोर्थ में, क्लियर है भाई। तो ये होता है जीरो से पाई बाई टू और ये होता है माइनस पाई बाई टू से जीरो। तो जल्दी माइनस पाई बाई टू से कहां तक, पाई बाई टू तक। फर्स्ट में आंसर देना तो क्या दोगे, अल्फा। फोर्थ में देना तो क्या दोगे, माइनस अल्फा। ये बात समझ में आई, अब बहुत ध्यान से देखो ये, अब ये कैसे पता चलेगा फर्स्ट में देना या फोर्थ में, जब इसके अंदर पॉजिटिव है तो फर्स्ट में, इसके अंदर नेगेटिव है तो फोर्थ में। ऐसा क्योंकि फर्स्ट में 10 कैसा होता है पॉजिटिव, फोर्थ में 10 कैसा होता है नेगेटिव। अब बहुत ध्यान से देखो, इसके अंदर कैसा लिखा पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट में आंसर देना है 1 कब होता है 10 और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसकी वैल्यू बतानी है tan इनवर्स 2 cos टू sin इनवर्स 1 by 2। इसकी वैल्यू बतानी है, कितना होगा पाई बाय 4। देखें चलिए देखते इधर देखो, बस सबसे पहले तो इस अंदर वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको तो हम ऐसे लिख देते हैं tan इनवर्स 2 cos। अब बहुत ध्यान से 2 दिखा रहे हैं, sin इनवर्स के अंदर 1 बाय 2 पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट में आंसर देता है 1 बाय 2 का होगा 30। 30 का मतलब होता है पाई बाय 6। 30 का मतलब होता है पाई बाय 6, ठीक है। अब तो बचा कितना, tan इनवर्स 2 cos 2 से 2 कैंसिल पाई बाय 3। अब यहां ये लिखा है cos 60, है ना, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू 1 बाय 2, इसकी वैल्यू होती है 1 बाय 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंदर क्या बचा 1, और अभी tan इनवर्स 1 की वैल्यू बताई थी कितना होता है पाई बाय 4 होता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, इजी है, देखा होगा। चलिए आपको बताना कि tan 1 बड़ा है या फिर tan इनवर्स 1 बड़ा है, कौन बड़ा है, बड़ा है से विच इज ग्रेटर, कौन बड़ा है इन दोनों में, tan 1 बड़ा है या tan इनवर्स 1 बड़ा है, कौन सा बड़ा है आपको ये बताना।
कौन लोग बता रहे टैन वन टैन वन पड़ा है टैन इनवर्स वन से कैसे सर जैसे टैन वन तो फाइव बाई फोर हो गया था और टैन इनवर्स को हम तोड़ेंगे टैन फाइव टैन वन थोड़ी भी फाइव बाई फोर हो गया ये फाइव बाई फोर ये सर फाइव बाई फोर हो गया ये क्या है भाई वन कब होता है फाइव बाई फोर पर तो ये छोटे की फाइव बाई फोर लिखा है ये फाइव बाई फोर लिखा है इसका एंगल इसका आंसर आता है ना माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू के बीच में तो एक चीज बताओ वन और फाइव बाई फोर में कौन बड़ा है वन और फाइव बाई फोर में कौन बड़ा है वन बड़ा या फाइव बाई फोर अच्छा पाई की वैल्यू कितनी होती है पाई की वैल्यू 3.14 लगभग होती है इसको 4 से डिवाइड कर दो पाई को 4 से डिवाइड करो इसको 4 से डिवाइड करो कितना आएगा 0.7 समथिंग तो ये 0.7 है पाई का 4 क्या लगभग 0.7 और ये 1 है ये 1 है और ये 0.7 है तो कौन बड़ा 1 बड़ा इतनी बात समझ में आई तो 1 और पाई का 4 में कौन बड़ा 1 बड़ा अच्छा अब हम करते क्या है इसमें 1 के साथ कौन लगा है 10 तो थोड़ा सा हम एक काम करते दोनों तरफ 10 ले लेते हैं तो इधर भी हमने 10 लिया इधर क्या हो गया 10 1 और इधर भी हमने 10 लिया तो ये क्या हो गया 10 पाई बाई 4 ये भी ग्रेटर आएगा जैसा साइन है वैसे ही रहेगा क्योंकि 10 कैसा फंक्शन इंक्रीजिंग दोनों तरफ 10 लिया तो ये 10 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 10 पाई बाई 4 जैसा सिंबल था वैसे ही आ गया मतलब 10 1 बड़ा है किससे 10 पाई बाई 4 से अब बहुत ध्यान से समझना है ये 10 1 है ये जनरली लिखा है 10 45 लिखा है कि 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती कि नहीं और 1 किससे बड़ा है इधर देखो समझ में नहीं आया 10 45 को क्या लिखा 1 अब यार एक चीज बताओ 1 किससे बड़ा है अगेन लिख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख सकते हैं अपने मन से लिख दिया तो ये 10 1 था ग्रेटर देन 10 45 1 इतना आ रहा था लेकिन हमें ये भी पता 1 इससे बड़ा ठीक है इसका मतलब है कि ये वाला जो 10 1 है किससे बड़ा पाई बाई 4 से बड़ा तो ये आ गया 10 1 ग्रेटर देन है ये बड़ा है किससे पाई बाई 4 और 10 इनवर्स 1 का मतलब क्या है पाई बाई 4 10 इनवर्स 1 का मतलब क्या है पाई बाई 4 तो पाई बाई 4 मतलब पाई बाई 4 की जगह क्या लिख सकते हैं 10 इनवर्स 1 ठीक है तो 10 1 बड़ा है